अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। होप ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल एट योर होम्स। तो आज जो मैंने आपके लिए खास सा टॉपिक लाया है जिसका नाम है म्यूक्रोमाइकोसिस और ब्लैक फंगल डिजीज। तो हम आज को तो हम देख रहे हैं पैंडमिक चल रहा है, लॉकडाउन है और आए दिन आप सुन रहे हो कि जो स्पाइक है, जो कोरोना का स्पाइक बहुत ज्यादा चल, सेकेंड वेव आई है तो सेकेंड वेव में जो कोरोना का स्पाइक है वो बहुत ज्यादा हो गया है। आए दिन बहुत सारे पेशेंट्स पर्संस कोविड इन्फेक्शन कोविड इन्फेक्टेड होते हैं। तो देखा गया है, हिंदुस्तान में देखा गया है कि जो जो कुछ मतलब रेयरली, उतने ज्यादा नहीं, अबंडेंटली नहीं, बट कहीं पर देखा गया है, कहीं स्टेट्स में देखा गया है कि जो कोरोना पेशेंट्स है आफ्टर दे गेट रिकवर्ड फ्रॉम कोरोना, कोरोना से जब वो उभर के आते हैं, दैट मीन्स व्हेन दे आफ्टर रिकवरी ऑफ कोरोना, कोरोना से जब वो रिकवर हो जाते हैं तो उसके बाद उनमें कुछ डिजीजेस, एक डिजीज उनमें देखी गई है, दैट डिजीज इज नोन एज म्यूक्रोमाइकोसिस और ब्लैक फंगल डिजीज। ठीक है, तो आज हम इसी पर, ये जो टॉपिक मैंने लाया है, ये वीडियो आज इसी पर है। तो ब्लैक फंगल डिजीज क्या है और ये कितनी डेडली है, ये डेडली है कि नहीं है, और ये कैसे हो जाती है, और इसका, इसके सिम्टम्स क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो वो आज हम पढ़ने जाएंगे। तो चलते हैं म्यूक्रोमाइकोसिस और ब्लैक फंगल डिजीज। ये जो ब्लैक फंगल डिजीज है, एक्चुअली दिस डिजीज इज, इट्स अ फंगल डिजीज। तो पहला ही अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लिखूं इसमें, जो म्यूक्रोमाइकोसिस है, इट्स अ फंगल डिजीज। ये क्या है, ये एक फंगल डिजीज है, ये फंगल डिजीज है। और ये कॉज किस फंगस से होती है, ये कॉज राइजोपस, राइजोपस स्पीशीज, या तो ये राइजोपस स्पीशीज से कॉज होती है, या तो ये म्यूकर स्पीशीज से कॉज होती है। जो फंगल, जो फंगस है, राइजोपस भी फंगस है, म्यूकर भी फंगस है, तो या तो म्यूकर स्पीशीज से ये कॉज होती है, या राइजोपस स्पीशीज से ये कॉज हो जाएगी, या तो ये राइजोम्यूकर स्पीशीज से ये कॉज होती है। तो ये तो इसके हो गए कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स, कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स के ये है। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स राइजोपस स्पीशीज से भी ये हो सकता है, म्यूकर स्पीशीज से भी हो सकता है, या राइजोम्यूकर स्पीशीज से हो सकता है। इसका नाम ही है म्यूक्रोमाइकोसिस, दैट मींस म्यूकर के नाम से इसका नाम पड़ा है। तो दीज आर द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज दिस डिजीज नोन एज ब्लैक फंगल डिजीज। अब देखो, ये जो म्यूक्रोमाइकोसिस है, अब ये कोविड पेशेंट्स में ये क्यों ये डिजीज हमें देखने को मिलती है। देखो, जो कोरोना है, फॉर एग्जाम्पल जो कोविड है, कोविड का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, सार्स CoV-2 वायरस। तो ये इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, कोविड का, कोरोना का ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, वायरल डिजीज है ये। और इसमें क्या हो जाता है, जब किसी को कोरोना हो जाता है तो उसका जो एक्चुअली कोरोना से किसी की डेथ नहीं एक्चुअली हो जाती है, या कोरोना उतना ज्यादा डेथ नहीं कर पाता है जितनी डेथ बाकी डिजीजेस, जिसको कोरोना हो जाता है तो उसको अगर कुछ और डिजीजेस अटैक करेंगी तो वो उन डिजीज से ज्यादा, या दूसरे कोई पैथोजेंस अगर उसको अटैक करेंगे तो दूसरे पैथोजेन से वो पेशेंट मर जाएगा। कोरोना या सार्स को जो वायरस से ये डेथ एक्चुअली उतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी ज्यादा कोरोना वाले पेशेंट में जो बाकी डिजीजेस अटैक उस पर करते हैं, तो उससे उन पेशेंट की ज्यादा डेथ हो जाती है। अब देखो क्यों हो जाती है, क्योंकि जब किसी पेशेंट को कोरोना हो जाएगा तो उससे एक्चुअली होता क्या है, कोरोना के बाद जब वो फॉर एग्जांपल कोरोना से अब उभर रहा है, दैट मींस रिकवर हो रहा है, तो आफ्टर रिकवरी उसका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा, वो बेसिकली उस पेशेंट में वीकनेस आ जाती है, और जब वीकनेस उसमें आ जाती है तो उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। जब उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो उसको क्या हो जाता है, ये जो बाकी जो पैथोजेंस है, ये पैथोजेंस उसको इजीली क्या करते हैं, उस पर अटैक कर देते हैं। तो
जिसको करोना हो जाता है उसका जो इम्यून सिस्टम है उसका इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है। उसका इम्यून सिस्टम क्या करता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उसमें वीकनेस, जनरल वीकनेस भी आ जाती है उस बंदे में, और उसका जो इम्यून सिस्टम है वो भी वीक हो जाता है। दैट मींस जो इम्यून सिस्टम है दैट्स अ सिस्टम व्हिच फाइट्स अगेंस्ट द इन्फेक्शन, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट पैथोजेंस, वायरसेस, बैक्टीरिया से, फंगस से हमें प्रोटेक्शन देता है। लेकिन जो ही इस बंदे को कोरोना हो गया तो कोरोना में इम्यून सिस्टम वीक हो गया, वीकनेस आ गई, तो जिससे इम्यून सिस्टम भी वीक हो गया। जनरल वीकनेस जब आ गई तो इम्यून सिस्टम भी वीक हो गया। जब इम्यून सिस्टम इस बंदे का वीक हो गया तो इस बंदे को कोई भी पैथोजन अब जब अटैक करेगा तो इसमें जो इंटरनल जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है इस बंदे में, तो इजिली इट गेट्स, दिस पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड टू अदर डिजीज। और वो डिजीजेस में एक डिजीज कौन है, म्यूक्रोमाइक्रोसिस। तो म्यूक्रोमाइक्रोसिस इसको हो जाता है, और म्यूक्रोमाइक्रोसिस से फिर क्या क्या हो जाता है वो तो आगे हम देखेंगे। तो दैट मीन्स ये म्यूक्रोमाइक्रोसिस कब हो जाएगी, जब आफ्टर रिकवरी ऑफ दैट कोरोना पेशेंट, तो उसका एक्चुअली उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उसको वीकनेस आ जाती है, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो ड्यू टू दैट वीकनेस ये जो म्यूक्रोमाइक्रोसिस है, ये फंगाइज जो है, ये एक्चुअली ये फंगाइज कहाँ पर होते हैं, दीज फंगाइज आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल, ये एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सॉइल, और इनके जो स्पोर्स होते हैं, जो ये फंगल स्पोर्स होते हैं, एक तो ये सॉइल में होता है ये फंगस, लेकिन इनके स्पोर्स एयर में भी प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स इनके कहां पर होते हैं, एयर में प्रेजेंट, स्पोर्स इनके एयर में भी प्रेजेंट होते हैं। या ये जो कोविड पेशेंट है या ये जो जिसको कोरोना हुआ है, तो इस बंदे को कैसे हो जाएगा ये म्यूक्रोमाइक्रोसिस, कैसे इसको हो जाएगी, इसका इम्यून सिस्टम अब थोड़ा सा वीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल या तो ये डायरेक्टली क्या किसी डेड किंग मैटर से इन कंटैक्ट आ जाएगा, दिस पेशेंट इट कम्स इन कंटैक्ट विद द डेड किंग मैटर, क्योंकि डेड किंग मैटर पर ज्यादा से ज्यादा फंगसेस होते हैं, क्योंकि फंगसेस क्या करते हैं, दे फीड ऑन डेड एंड डिकिंग मैटर। तो अगर ये दिस पेशेंट विच हैज बीन विच इज रिकवर्ड फ्रॉम द कोरोना, और अगर ये इन कंटैक्ट विद डेड एंड डिकिंग ऑर्गन, डेड एंड डिकिंग मैटर से ये डायरेक्ट कंटैक्ट में आ गया, there are chances that he can get these fungus, he can get these spores from that dead organic matter. So dead organic matter se ye agar direct contact mein aa gaya, ya iske jo spores hote hain wo air mein bhi present hote hain, to jab air mein ye spores hote hain to wo directly inside the body of that human pahunch jate hain. To jo hi ye spores andar pahunch jate hain, spores they are in the form of these fungus are in the form of spores, ye in the form of spores hote hain. ये द फॉर्म ऑफ स्पोर्स होते हैं। तो स्पोर्स में क्या होता है, स्पोर्स में स्पोर्स आर एबल टू टॉलरेट द कंडीशंस, जो इनसाइड द बॉडी हमारी कंडीशंस होती है उन कंडीशंस को वो टॉलरेट करते हैं स्पोर्स, ठीक है। अब देखो, या तो ये डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद डेड ऑर्गेनिक मैटर आएगा, या तो ये एयर में जो स्पोर्स होते हैं फंगल स्पोर्स, या वो इनहेलेशन के थ्रू अंदर आएंगे। मगर एक चीज है, अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल दिस माइक्रोमाइक्रोसिस है, तो ये ऐसे नहीं फैलती है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर हेल्दी पर्सन, इट इज नॉट दैट कम्युनिकेबल तो नहीं है, इट इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज, ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। अब देखो, जब माइक्रोमाइक्रोसिस हो जाती है एक बंदे को, तो जिसका फॉर एग्जाम्पल कोरोना जो पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम वीक है, वो इन कंटेक्ट विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर आ गया, तो उसमें ये स्पोर्स आ गए, फंगल स्पोर्स आ गए, राइजोपस के स्पोर्स आ गए, या म्यूकर के स्पोर्स आ गए, या राइजोम्यूकर स्पीशीज के स्पोर्स आ गए, तो अब क्या हो जाएगा, देखो नाउ दीज मैंने पहले ही कहा कि जो फंगस होता है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करती है, लेकिन जो ये स्पोर्स अंदर जाते हैं तो इम्यूनिटी भी बहुत कम होती है, ठीक है, इम्यूनिटी उस बंदे की बहुत कम होती है, और इम्यून सिस्टम वीक हुआ होता है, और ये स्पोर्स क्या करते हैं, उसके टिश्यूज को अटैक करते हैं, लिविंग टिश्यूज को ये अटैक करते हैं दीज स्पोर्स, और ये लिविंग टिश्यूज को ही क्या करते हैं, ये लिविंग टिश्यूज पर ही फीड करते हैं, दे एट दैट टाइम दे फीड ऑन द लिविंग टिश्यूज, ये लिविंग टिश्यूज पर ही उस टाइम फीड करते हैं, ठीक है, दे कंसिडर देम एज द डेड टिश्यूज, ये इनको कंसिडर करते हैं, वरना ये डेड मैटर पर बैठते हैं, बट फीड करते हैं, बट एट दैट टाइम दे फीड ऑन दोस, ये फीड करते हैं ऑन दोस लिविंग टिश्यूज, ठीक है। अब ये लिविंग टिश्यूज पर जब फीड करते हैं, तो देखो यहां पर इसीलिए हमें चाहिए कि आफ्टर रिकवरी फ्रॉम द कोरोना या कोविड के बाद, जब हम रिकवर हो जाते हैं, तो कोविड के बाद
हमें चाहिए कि हम इम्यून बूस्टर्स खाएं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक अच्छा डाइट हम मेंटेन रखें। तो आफ्टर कोविड रिकवरी पर्सन नीड्स टू ईट अ हेल्दी फूड, उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे दैट मींस जिससे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना रहा है, सो दैट द अदर डिजीजेस कांट इन्फेक्ट दैट पर्सन। और वन ऑफ द डिजीज व्हिच इन्फेक्ट्स आफ्टर द कोविड रिकवरी इज म्यूक्रोमाइकोसिस। ठीक है, अब देखो म्यूक्रोमाइकोसिस जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेडली डिजीज, ये कोरोना कोविड से भी बहुत ज्यादा हाईली डेडली है, इट इज मोर डेडली दैन कोरोना, कोविड से भी बहुत ज्यादा डेडली है ये। इसकी डेथ रेट अगर हम म्यूक्रोमाइकोसिस से हम कहेंगे कि डेथ रेट कितनी होती है, 54% डेथ रेट है इसकी। दैट मींस अगर 100% है, 100% में से 54% क्या हो जाएंगे, वो म्यूक्रोमाइकोसिस से, अगर उनको म्यूक्रोमाइकोसिस है दे विल गेट दे विल डाई। ठीक है, तो दैट मींस डेथ रेट ड्यू टू म्यूक्रोमाइकोसिस इज ग्रेटर देन कोविड, कोविड से ज्यादा इसकी डेथ रेट है म्यूक्रोमाइकोसिस। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज मच डेंजरस, इट इज हाईली डेंजरस, बहुत ज्यादा लीथल है। तो जिसको म्यूक्रोमाइकोसिस हो जाएगा देयर आर मोर चांसेस दैट पर्सन विल डाई, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं पर्सन विल डाई। अगर कोरोना हो जाएगा द पर्सन कैन रिकवर, द पर्सन रिकवर्स, बट अगर ये हो गया और ये भी बहुत एट अगर इनिशियल स्टेज पर है तो ठीक है, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ गया है म्यूक्रोमाइकोसिस देन इट कांट बी ट्रीटेड और बंदा मर जाता है। अब देखो इसमें एक्चुअली क्या हो जाता है, ये या तो ये नाजल एरिया जो नाजल टिश्यूज होते हैं या तो उन पर ही अटैक करेगा। ठीक है, ब्रेन पर अटैक ये करता है, ये लंग्स पर अटैक करता है, लंग टिश्यूज पर या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टिश्यूज पर अटैक करता है ये, या ये ब्लड ब्लड टिश्यू जो है कनेक्टिव टिश्यू उन पर अटैक करेगा ये, तो या स्किन पर अटैक करता है। तो ये अब ये जो म्यूक्रोमाइकोसिस है अदर ब्लैक फंगल डिजीज है, तो ये म्यूक्रोमाइकोसिस या ये जो मैंने अभी ये फंगल डिजीज जो है इट विल इफेक्ट, या तो ये इफेक्ट करेगी राइनोसेरेब्रल मींस इट विल अटैक नेजल टिश्यूज, इट विल अटैक ब्रेन। तो 40-50% ऑफ डेथ्स राइनोसेरेब्रल होती है, अगर किसी को म्यूक्रोमाइकोसिस है तो राइनोसेरेब्रल से दैट मींस नेजल और ब्रेन टिश्यूज में अगर ये माइक्रोसिस उसने इन्फेक्ट किया है, इस राइजोबस स्पीशीज ने इन्फेक्ट किया है नेजल और ब्रेन टिश्यूज, इट कैन लेड टू 40-50% डेथ्स इनसे हो जाती है राइनोसेरेब्रल से। या तो ये पल्मोनरी एरियाज, पल्मोनरी टिश्यूज दैट मींस लंग्स को ये इफेक्ट करेगी, या तो ये इफेक्ट किसको कर दिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रीजन को ये इन्फेक्ट करेगी। ठीक है, जिसमें स्टोमक आ जाएगा उनको ये इफेक्ट करेगी, या तो ये इफेक्ट किसको करती है सिकिन किटनियस सिकिन और मोस्टली सिकिन कौन सा वाउंडस अगर प्रेजेंट या सर्जरी हुई। ठीक है, या डिसमेंशिया दैट मींस ब्लड। तो मोस्ट डेडली फॉर्म ऑफ म्यूक्रोमाइकोसिस इज व्हेन इट इनफेक्ट्स ब्लड, इज द मोस्ट डेडली फॉर्म most deadly form of disease is when it infects blood, और ये हमें डिटेक्ट भी आसानी से नहीं होती है। अगर स्किन पर म्यूक्रोमाइकोसिस है इट कैन बी डिटेक्टेड, ये डिटेक्ट इजिली हो जाती है, इस पर ब्लैकनेस आ जाती है ऑन द स्किन, ब्लैकनेस ऑन स्किन, तो स्किन पर ब्लैकनेस आ जाती है, ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं स्किन पर और स्वेलिंग हो जाती है, अ पार्ट ऑफ द फेस गेट्स स्वोलन अप,
part of face get swollen. Part of face swollens. तो अगर किटनियस है तो किटनियस हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं. हाँ, तो इजीली डिटेक्ट हो सकता है बाय ब्लैकनेस, ब्लैक स्पॉट्स. फेस पर ब्लैक स्पॉट्स नजर आएंगे हमें, ब्लैकनेस हमें नजर आएगी, और दैट मींस डिकेइंग ऑफ स्किन टेक्स प्लेस. अगर किटनियस है, माइक्रोमाइकोसिस स्किन पर हो गई है, तो इट विल लेट द डिकेइंग ऑफ द स्किन, और डिकेइंग ऑफ द स्किन विल लेट द ब्लैकनेस. ब्लैकनेस दैट मींस ब्लैकनेस ऑफ स्किन हो जाएगी उससे, जब डिके स्किन डिके हो जाता है, और पार्ट ऑफ द फेस गेट स्वॉल, और फेस स्वॉलन हो जाएगा. और अगर पल्मोनरी, अगर इस म्यूक्रोमाइकोसिस ने लंग्स को इन्फेक्ट किया, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम, देयर विल बी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी. और ऑल्सो देयर मे बी फीवर, फीवर एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम पल्मोनरी, अगर म्यूक्रोमाइकोसिस ने पल्मोनरी टिश्यूज को इन्फेक्ट किया होगा, लंग्स को इन्फेक्ट किया होगा. अगर राइनो सेरेब्रल है, इफ इट इज राइनो सेरेब्रल, तो देन ऑल्सो फीवर, फीवर हो जाएगा. रैशेस, रैशेस आ जाते हैं ऑन सेकेंड एक, तो ये चीजें हो जाती है. ठीक है, और 40 to 50% ऑफ डेथ्स, 40 to 50% ऑफ डेथ्स राइनो सेरेब्रल होती है. अगर म्यूक्रोमाइकोसिस नेजल और ब्रेन टिश्यूज इन्फेक्ट हो गए हैं, इट विल लेड टू 40 to 50% ऑफ डेथ इज ऑकर ड्यू टू दिस. एंड मोस्ट ऑफ द डेथ इज ऑकर इन दिस फॉर्म, म्यूक्रोमाइकोसिस के इस वाली फॉर्म में सबसे ज्यादा डेथ इज, मोस्टली डेडली फॉर्म ये है. एक ये तो यहां तक हो गया, दैट मींस म्यूक्रोमाइकोसिस बहुत ही ज्यादा डेडली है. अब देखो म्यूक्रोमाइकोसिस जो है, हाउ कैन वी, ये तो सिम्टम्स थे. अगर मैं अभी मैंने जो बोले वो तो मैंने इसके सिम्टम्स बोले आपको. सिम्टम्स क्या क्या बोले मैंने? मैंने बोला कि फीवर हो सकता है इसमें, इसमें फीवर हो सकता है, इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, और इसमें वीकनेस, वीकनेस दैट मीन्स फैट्यूग, फैट्यूग हो सकता है, इसमें ब्लैकनेस ऑफ स्किन, ब्लैकनेस ऑफ स्किन, स्किन डिके हो जाता है, स्वेलिंग ऑफ फेस, स्वेलिंग पार्ट ऑफ फेस, पार्ट ऑफ अ फेस विल स्वेल अप, और इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स मैंने लिखी. हाँ, और इसमें फीवर भी होता है. वॉमिटिंग, अगर ये इंटस्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल है, देन इट इज वॉमिटिंग विल टेक प्लेस. वॉमिटिंग इससे हो जाएगी, नौसिया हो जाता है, नौसिया, वॉमिटिंग विल टेक प्लेस. ठीक, तो ये दीज आर द सिम्टम्स ऑफ म्यूक्रोमाइकोसिस, दीज आर सिम्टम्स ऑफ म्यूक्रोमाइकोसिस. अगर अब हम देखें कि हाउ वी कैन डिटेक्ट, हाउ वी कैन डिटेक्ट द म्यूक्रोमाइकोसिस, तो अगर दैट मीन्स ये राइनो सेरेब्रल है, इफ द डिजीज, इफ दिस म्यूक्रोमाइकोसिस हैज इन्फेक्टेड द नेजल और द ब्रेन टिश्यूज, अगर ये राइनो सेरेब्रल है, इफ इट इज राइनो सेरेब्रल, देन वी कैन या तो क्या करेंगे, या तो सीटी स्कैन, ब्रेन का सीटी स्कैन कर देंगे. ठीक है, वी कैन डू, सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन, या तो हम फेरेंजोस्कोप, फेरेंजोस्कोप, फेरेंजोस्कोप से हम फेरेंजोस्कोप से देख सकते हैं कि जो एक्चुअली राइनो सेरेब्रल में होता क्या है, विद हेल्प ऑफ फेरेंजोस्कोप दैट हम देख सकते हैं, विद हेल्प ऑफ दैट टॉर्च हम देख सकते हैं कि जो अपर जा है, अपर जा में, अपर जा में, अपर जा में क्या होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स ऑन द अपर जा, अपर जा में ब्लैक स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं. इसी तरीके से अगर दैट मींस, अगर ये अगर ये क्या पल्मोनरी है, इफ इट इज, अगर ये पल्मोनरी है, तो पल्मोनरी म्यूक्रोमाइकोसिस, इफ इट हैज इन्फेक्टेड द लंग्स, कैसे हम डिटेक्ट कर पाएंगे? वी कैन डिटेक्ट इट बाय टेकिंग द फ्लूड, हम फ्लूड टेक करेंगे.
फ्लूड फ्रॉम लंग्स, फ्लूड फ्रॉम लंग्स, हम लंग से फ्लूड लेंगे, उसको हम क्या करेंगे, और उसको हम दैट मींस उस फ्लूड को हम ऑब्जर्व करेंगे। जब हमने उसको एनालाइज किया, उस फ्लूड को हमने एनालाइज किया, तो अगर उसमें प्रेजेंस ऑफ दैट फंगस हो जाएगा तो वी कैन डिटेक्ट दैट इट इज म्यूक्रोमाइकोसिस है। तो ज्यादा से ज्यादा उसको 100% एक्यूरेट करने के लिए हम, अगर उसमें कुछ प्रेजेंस ऑफ फंगस है, हम उस फंगस को क्या करेंगे, हम उस फंगस को ग्रो भी कर सकते हैं, सो दैट वी कैन बी 100% श्योर दैट इसको एक्चुअली म्यूक्रोमाइकोसिस है, इस बंदी को म्यूक्रोमाइकोसिस है कि कुछ है। तो अगर हम उस इस म्यूक्रोमाइकोसिस दैट मींस इन फंगस को जो इसको कॉज करते हैं, अगर उन फंगसेस को हम ग्रो करेंगे एक डिश में, तो इसमें क्या हो जाएंगे, लाइक दिस कॉलोनीज बन जाती है, ब्लैक स्पॉट्स जो हमें देखने को मिलते हैं, ब्लैक स्पॉट्स इसमें म्यूक्रोमाइकोसिस में, एक्चुअली दीज आर द कॉलोनीज ऑफ फंगस, ये कॉलोनीज होती है, कॉलोनीज ऑफ फंगस, ठीक है, जिनको हम ब्लैक स्पॉट्स जो हमें नजर आते हैं, ब्लैक स्पॉट्स, ठीक है। तो दैट मींस इजिली इट कैन बी इजिली डिटेक्टेड, और सिकिन पर, अगर ये सिकिन पर होगी, अगर म्यूक्रोमाइकोसिस ने सिकिन को इन्फेक्ट किया होगा, देन वी कैन इजिली डिटेक्ट वेदर इट इज म्यूक्रोमाइकोसिस और नॉट, क्योंकि सिकिन पर क्या हो जाए, ब्लैकनेस, ब्लैकनेस ऑफ सिकिन, ब्लैकनेस ऑफ सिकिन, सिकिन विल डिके, इट विल टर्न ब्लैक, और स्वेलिंग ऑफ दैट सिकिन विल ऑकर। आप देखो ज्यादा से ज्यादा मुश्किल कब ये डिटेक्ट कर पाना है कि ये म्यूक्रोमाइकोसिस है कि नहीं, व्हेन इट इन्फेक्ट्स ब्लड, अगर म्यूक्रोमाइकोसिस ने दिस फंगसेस दिस ब्लैक फंगल डिजीज हैज इन्फेक्टेड द ब्लड, तो उस टाइम ब्लड को डिटेक्ट करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, ठीक है। तो ये तो थे हाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज एंड हाउ वी कैन डिटेक्ट द डिजीज। अब देखो यहां पर, अब इसके है ट्रीटमेंट्स, अगर हम ट्रीटमेंट्स की बात करें, ट्रीटमेंट में ड्रग्स हैं, एंटीफंगल ड्रग्स, एम्फोटेरिसिन बी और इसरेनो कैनाजोल, इसरेनोकोनाजोल एंड एम्फोटेरिसिन बी। तो दीज टू ड्रग्स, कोनाजोल एंड एम्फोटेरिसिन, दीज आर द स्पेसिफिक ड्रग्स विच कैन ट्रीट द म्यूक्रोमाइक्रोसिस। और ये म्यूक्रोमाइक्रोसिस दैट मीन जो भी फंगल डिजीज होती है, इट इज नॉट जस्ट लाइक एज अ वायरल डिजीज कि 2-4 दिनों में हम एंटीवायरल टेबलेट्स या कुछ दवाइयां खाएंगे, एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो ये वायरल डिजीज खत्म हो जाएगी, बट इट इज अ फंगल डिजीज, इट विल टेक मंथ्स, इट विल टेक इयर्स ट्रीटमेंट, इट फॉर ट्रीटमेंट फॉर इरेडिकेशन ऑफ दिस फंगल डिजीज, इट विल टेक मंथ्स, इट विल टेक अ लॉन्गर पीरियड ये रिक्वायर करती है फॉर क्योर। तो ये ट्रीट हो जाएगी बट इट विल गेट ट्रीटेड, ये जो खत्म हो जाएगी, ये म्यूक्रोमाइकोसिस खत्म हो जाएगी, बट इट विल टेक अ लार्जर टाइम, लॉन्गर टाइम इट विल रिक्वायर। तो फंगल डिजीज जो होती है वो लॉन्गर टाइम रिक्वायर करती है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, तो इट विल टेक मंथ्स और ईयर्स इट विल टेक। तो एम्फोटेरिसिन है, एम्फोटेरिसिन बी एंड इज़रायनो कोनाजोल, जो कोनाजोल है, तो दीज आर द स्पेसिफिक मेडिसिन्स व्हिच कैन ट्रीट द म्यूक्रोमाइकोसिस, लेकिन इनिशियल स्टेज पर। अगर म्यूक्रोमाइकोसिस बढ़ गया है देन दीज मेडिसिन्स, हाँ, ये भी फिर कारामंद नहीं होती है, ठीक है, अगर म्यूक्रोमाइकोसिस बढ़ गया होता है, इफ दैट इज इंक्रीज्ड मच। तो म्यूक्रोमाइकोसिस अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये अगर हम बायोप्सी लेते हैं, अगर लंग्स पर जब अटैक हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल दिस ब्लैक फंगल डिजीज का, तो जब हम उस पर फ्लूड निकालते हैं, तो उसको बायोप्सी करते हैं, तो उसमें हमें ऐसा एक स्ट्रक्चर नजर आता है अंडर द माइक्रोस्कोप, स्ट्रक्चर लाइक दिस, दिस इज द म्यूकर, ठीक है, म्यूक्रोमाइकोसिस में ऐसे ब्लैक हेड लाइक स्ट्रक्चर्स इनमें होते हैं, दिस इज स्ट्रक्चर वी कैन व्हिच वी ऑब्जर्व आफ्टर डूइंग द बायोप्सी ऑफ दैट
लंग फ्लूड की जब बायोप्सी करते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें नजर आते हैं माइक्रोस्कोप में, एंड दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द दिस फंगल डिजीज, ये फंगल डिजीज की प्रेजेंस होती है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि इफ यू विल सर्च, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे कि इमेज और समथिंग अबाउट द म्यूक्रोमाइकोसिस, यू कैन आप देख सकते हो वहां पर कितनी ये खौफनाक डिजीज, बहुत ज्यादा डेडली, हाईली डेडली। इट इज मच मोर डेडलियर देन कोविड। कोविड इज नथिंग बट इट इज मच मोर डेडलियर देन कोविड। और देखो इसमें क्या है, इसमें आज गर्मियां बहुत ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, हम कूलर्स का यूज करते हैं। तो कूलर्स में कूलर्स में क्या लगता है, पानी लगता है और उसमें वो चैनल्स होती है, तो जब वो चैनल्स में पानी जाता है तो उससे वो कूलर आ जाता है। लेकिन वो जो पानी उन चैनल्स में जाता है तो दैट एक्ट एज ये एक हैबिटेट बन जाता है इन फंगसेस के लिए। तो वी शुड अवॉइड दैट। अगर एयर उसके उसके बरक्स हम एयर कंडीशनिंग जो है वो यूज कर सकते हैं, बट दोस कूलर्स दे कैन काज आफ्टर, लेकिन कब, आफ्टर कोविड, अगर कोविड रिकवरी हो गई है उस बंदे की, कोविड से रिकवर हो गया है, फिर ये बैठ रहा है किस पर, कूलर्स का ये हवा ले रहा है और कूलिंग पर्पस, मे बी ही विल गेट द म्यूक्रोमाइकोसिस, उसको म्यूक्रोमाइकोसिस हो जाएगा क्योंकि उसमें जो चैनल्स है पानी जो उसमें आता है, तो दैट बिकम्स द हैबिटेट फॉर दीज फंगल स्पोर्स एंड ही कैन बी इन्फेक्टेड विद दिस ब्लैक फंगल डिजीज। ठीक है, तो अवॉइड अवॉइड हम करेंगे किसको, अवॉइड द कूलर्स। अगर सिंपल सा फैन है, फैन इज गुड, ठीक है, फैन सिंपल फैन क्या है, सिंपल फैन गुड है क्योंकि जो ह्यूमिड, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा जिस चीज में होती है तो दैट बिकम्स द ग्रोइंग हैबिटेट फॉर दीज फंगल डिजीजेस। तो अवॉइड कूलर्स, यूज फैंस इंडस्ट्रियल कूलर्स, हम एयर कंडीशनर्स यूज कर सकते हैं या हम जनरल फैंस यूज कर सकते हैं। एंड हम आफ्टर कोविड रिकवरी वी कैन वी शुड टेक इम्यून बूस्टर्स। हमें एक अच्छा जो डाइट है वो लेना चाहिए सो दैट वी कांट गेट इन्फेक्टेड बाय द म्यूक्रोमाइकोसिस आर एनी अदर डेडली डिजीज। जो मोस्टली डेथ्स होती है वो बहुत सारी अलग अलग डिजीज से हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन इज हैविंग द हाई ब्लड ब्लड शुगर लेवल एंड वो उसमें चांसेस है कि म्यूक्रोमाइकोसिस विल टेक प्लेस मोर, क्योंकि जब कोविड है उसको ऊपर से हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल भी है, इम्यून सिस्टम वीक है, इट कैन बी इन्फेक्टेड विद द म्यूक्रोमाइकोसिस। सो वी शुड आफ्टर कोविड रिकवरी वी शुड फॉलो द प्रिकॉशंस। हमें प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए, हमें इम्यून बूस्टर्स खाने चाहिए, वी शुड डू द एक्सरसाइजेस, वी शुड ईट अ हेल्दी फूड एंड वी शुड वॉश आवर हैंड्स, और हमें गंदी चीजें से उनको, दैट मींस इफ वी आर वी शुड अवॉइड कंटैक्ट विद द विद सम स्पॉइल्ड फूड और सम अदर थिंग्स। ठीक है, होप कि आज ये जो लेक्चर है इट मे बी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। तो इतना लाइक करिएगा इस वीडियो को और चैनल मेरी जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए।